प्रोग्राम का एक अभिमान में खुशामद। मैं हूँ आपकी होस्ट तैयबा सिद्दीक। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो टीचर्स हैं उनको स्कूल में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो आज बेसिकली हमारी पैनल डिस्कशन है और मेरे साथ हमारे कुछ पैनलिस्ट मौजूद हैं जो कि हमारी ज़ेफ स्कूल की टीचर्स हैं। और ज़ेफ स्कूल ज़ी फाउंडेशन का एक इदारा है जहाँ पे हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को 10 साल बिल्कुल फ्री एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ जो हमारे पैनल की पैनलिस्ट मौजूद हैं उनसे उनके बारे में जानते हैं। मेरा नाम शीजा है और मैं नर्सरी क्लास को पढ़ा रही हूँ। मेरा नाम फाखरा मनीर है और मैं 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा रही हूँ। मेरा नाम रज़िया गुलाम रसूल है, 10वीं फाउंडेशन में 1 क्लास की टीचर हूँ। मेरा नाम उषा आरिफ है, मैं 7th क्लास की टीचर हूँ। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी पैनलिस्ट जिनसे आज हम बात करेंगे कि इनको स्कूल में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं शीजा से, तो चलिए बात करते हैं शीजा। हमारे स्कूल में ज़्यादातर माएँ आती हैं तो उनको इशू रहते हैं इस बात पे कि आपके बच्चे बात नहीं मानते, ये नहीं करते, वो कहना नहीं मानते, इस तरह से। तो वो उनको डील इस तरह करती हैं, प्यार से समझाने की बजाय उन पे हाथ उठाती हैं, जो कि गलत है। मदर स्कूल में आके ऐसा करती हैं? स्कूल में मारती नहीं है हमें, वो कहती हैं कि हम लोग घर पे इनको इस तरह से मारते हैं तो बच्चा समझ जाता है। अच्छा, मतलब आप इनको मारे समझ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, प्यार से समझने वाले बच्चे नहीं है, इस तरह से वो बात करती है। तो मेरे ख्याल से इस तरह नहीं होना चाहिए बच्चे को। जब तक आप प्यार से समझाएंगे नहीं ना, वो बच्चा नहीं पढ़ेगा, ना पढ़ेगा ना कहना मानेगा। क्योंकि जो आजकल के जो बच्चे है ना, वो कहते हैं ना एक अनाप्रस्त और अपनी इज्जत तुमको बड़ी प्यारी होती है। तो जब आप उनको इस तरह से उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाएंगे तो कैसे आपकी बात मानेंगे। मेरे ख्याल से फिर वजह ये है कि जो ये माएँ पढ़ी लिखी नहीं ना होती, उनको समझ नहीं आता कि बच्चों को किस तरह से हम टैकल करेंगे, जिसकी वजह से वो उन पर हाथ उठाती हैं, अपनी पावर दिखाती हैं उनको। तो बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, माँ हैं, तो उनको प्यार से समझाएं, प्यार से करें, वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे आपकी बात को। जी है ना, वो भी लर्न करते हैं बच्चे, जो सिर्फ एक दूसरे को जिस तरह घर में उनको मार पड़ती है, वो स्कूल में आके बच्चों को भी इसी तरह मारते हैं। तो हालांकि तुमने बड़ा हो लेंदर मदरसा, इस तरह के उनके डायलॉग होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। मतलब उनका माइंडसेट बना हुआ है कि जो बड़े हैं वो पावर से ही हर काम बनवाते हैं, तो हम भी ये कर सकते हैं। ये चीज उनको उनके माँ बाप सिखा रहे हैं। मुझे तो बेहद चैलेंजेस आए हैं, यहाँ तक भी नहीं है। और उनके शूज इतने गंदे होते हैं कि हमारे जो सिस्टर ज़ेफ है वो खुद पॉलिश किया करते थे। नेल उनके इतने गंदे होते हैं, हालांकि उनको पता है कि गंदगी जोन से जो भी बीमारी लगती है वो नेल्स की वजह से लगती है सबसे पहले। तो उनके नेल इतने गंदे होते हैं कि उनको पता ही नहीं है, किस चीज़ का पता ही नहीं है, तो हम खुद उनके नेल्स जोन से वो काटते हैं। और एक हमारी क्लास में बच्ची थी, उसके बाल इतने खूबसूरत है, शाइनिंग वाले, कि उसकी माँ को पता नहीं है कि उसको वॉश किस तरह करना है। तकरीबन एक दफ़ा उसके बाल हमने खुद वॉश किए 10 दिन बाद। बच्ची कहती है कि मेरी मामा ने तो वॉश किए, जब मैं करती हूँ तो मुझे करने नहीं देती। तो मामा में अवेयरनेस ही नहीं है कि अपने बच्चों को साफ कैसे रखें, किसी चीज की अवेयरनेस ही नहीं, नहलाते नहीं अपने बच्चों। अगर वो नहीं नहाएंगे तो पसीना आएगा, पढ़ेगा नहीं बच्चा, इस तरह से इसको खुद से बदबू आना शुरू होगी, तो कैसे उसका दिमाग काम करेगा। यहाँ तक की माँ कहती है कि अगर हम इनको डेली बेस पे नहाएंगे तो हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि नहाएंगे और बीमार हो जाएंगे? बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, हम दवाई कैसे लेके आएंगे, हम हॉस्पिटल कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, इस तरह के इश्यूज बताते हैं। मेरे साथ ये केस हुआ है कि वो किसी पेरेंट्स ने बोला कि हमारे बच्चे को ये जिन वगैरह का मसला आ गया, किसी ने तवीज़ डाल दिया, कुछ इस तरह का हो गया। तो भाई बच्चों को बहुत प्यार से करना है, हमने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए मतलब नहीं पढ़ाना, ये छोड़ देना है, इस तरह का काम करना है। तो हमने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप दुआ करवाएं, जो भी चीज़ होती है जिस पर किसी का यकीन होता है आप वो काम करें, और स्कूल बच्चे को लाजमी भेजें, बच्चे की पढ़ाई नहीं ज़ाया होनी चाहिए। उन्होंने कहा चले आप लोग कह रहे हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं, और फिर हम स्कूल में बच्चों को भेज देते हैं। और तब आपको इस तरह के चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है कि लोग इतनी बैकवर्ड सोच रख रहे हैं, ये बच्चा पढ़ नहीं रहा तो वो ये रीजंस दे रहे हैं जिस पे जादू टोटका। जी जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है कि जो जादू वगैरह होते हैं तो फिर इंसान नहीं पढ़ सकता, ये इंसान का माइंड भी होता है, कुछ बहुत बच्चे बहुत एवरेज भी होते हैं, लो भी होते हैं, हर एक चीज़
मतलब होती है इस तरह। तो हमने वो बच्चे को समझाया, उनके पेरेंट्स को समझाया कि ये आप लोगों ने इनको स्कूल लाजमी भेजना ताकि उस पर काम किया जाए, उसको बताया जाए कैसे नहीं होता, दुआ की जाए। और कुछ ही दिनों बाद बच्चे को वो चीज़ें समझ आ गई और वो बिल्कुल पढ़ाई की तरफ जैसे वो पहले था वो आ गया। और मतलब माँ बाप किस तरह की सोच बच्चों पर डालते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपके बच्चे थोड़ी सी लेजी है, बीमार है, उसको डॉक्टर के पास ले गए, इंजेक्शन कर नहीं आराम मतलब दुआ शुआ कराएं, वो ठीक हो जाएगी। और हमारे ईमान भी कमजोर होते हैं, इसीलिए हम इन चीज़ों की तरफ यकीन कर पाते हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह पे यकीन रखें तो कोई चीज़ भी हमें कुछ भी नहीं कर पाती। बेसिकली ये सारी चीज़ें इसी में से निकल रही हैं कि एजुकेशन की कमी, मदर्स को पता नहीं है कि हमने अपने बच्चों को किस तरह से टैकल करना है, कैसे उनके मसाइल को देखना है, कैसे उनको इनकरेज करना है। वो इनकरेज करने के बजाय अपने बच्चों को डिस्करेज कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे जो आजकल की जनरेशन, तो पेरेंट्स हैं वो तो अपने बच्चों को 9-10 तक बिन जानते हुए शादियां करवा देते हैं और ये कहते हैं कि आपने कौन से जाके आगे जाके पढ़ना है या फिर नौकरियां करनी है, आपने दोनों तो बर्तन ही है ना, झाड़ू लगाने हैं तो छोड़ो स्टडी को। बिल्कुल इस तरह तो फिर नस्लें खराब होगी ना। अगर देखो उस बच्चे की मामा ऐसा सोच रहे हैं, अब बेटी भी ऐसे सोचेगी, अगर जब बेटी का भी उड़ा दो तो वो भी इसी तरह से ऐसे सोचेगी, इस तरह तो फिर नस्लें खराब होंगी ना, वो तो फिर उनका कोई फ्यूचर ना हुआ। ये चीज आ रही है ना इसमें। वैसे भी माशरे में एक हमारी एक और भी है ना कि छोटे होते ही हम लोग बच्चों की मंगनी कर देते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है कि 8-9 तक जब तक वो पहुंचते हैं फिर वो कहते हैं जिनकी शादी कर दी जाए। जब वो शादी कर लेती हैं फिर बाद में उनको और बहुत सारे, क्योंकि उनको इतनी पता नहीं होता आगे आगे अपनी लाइफ का, इस वजह से वो बहुत ज्यादा पीछे रह जाती हैं। जैसे हमारे स्कूल में भी अब बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने मैट्रिक के फौरन बाद उनकी शादी कर दी है। बिल्कुल, कौन सा हमारे पास है, इनकी कौन सा कमाइयां खा ली है, इनको पढ़ाए, उनको ये भी पढ़ा होता है कि पैसा लगा रहे हैं किताबें यूनिफॉर्म ये सारा कुछ, वो इन चीजों को फजूल समझते हैं। कम मैं भी हम इन पे पैसा लगा रहे हैं जो कि बेटों को बड़ी अहमियत देते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में यही तो काम है, बेटियों को कम तर समझा जाता है और बेटों पे कहते हैं कि हम इसको बाहर भेज देते हैं, जो भी इसने करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन अगर बेटी कोई स्टेप उठाना चाहे कि हमने ये काम करना है, हमारा ये शौक है, तो उसको उधर ही रोक दिया जाता है, नहीं तुम लड़की हो तुम ये काम नहीं करना, ऐसे होता है हमारी सोसाइटी में। जैसा कि हम आई थिंक अभी इतने बैकवर्ड एरिया में हैं कि अभी तक भी यहाँ पे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो कंप्लीट एजुकेशन पे डिपेंडेंट है। आप मार्केट जाएं, आप कहीं पे भी जाएं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ढंग से शॉपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हर काम अब टेक्नोलॉजी के जरिए हो। बट हमारे एरिया में, हमारी सोसाइटी में अभी भी ये चीज़ें इतनी पीछे हैं कि माओं को समझ में नहीं आ रहा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ये सबसे पहले मुझे चाहिए। वही मुझे एक बात भी याद आई है और ये हमारे साथ सीन हो चुका है, मेरे सामने भी ऐसे हुआ कि कुछ पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे होते और उनका ये शौक होता है कि हमने नहीं वो काम किया, लेकिन हमारे बच्चे जो है ना वो चीज़ों में ना हो, वो आगे बढ़े और हर एक चीज वो सीखें जो उन्होंने नहीं सीखी। और एक वो बहुत बड़े स्कूल में गए, उनकी फीस भी काफी ज्यादा थी और उन्होंने बोला कि आप जो पेरेंट्स हैं वो कितना पढ़े हुए हैं, उन्होंने बोला कि पेरेंट्स तो नहीं पढ़े लेकिन हम अपने बच्चे को हर वो चीज़ देना चाहते हैं जो हमने नहीं हासिल की। उन्होंने कहा आजकल के जिस दौर में हम काम कर रहे हैं पेरेंट्स का भी उतना ही पढ़ा लिखा होना लाजमी है, क्योंकि पेरेंट्स ने सबसे पहले बच्चों की तरबियत करनी है और उस बच्ची को उधर से एडमिशन नहीं मिला था, क्यों, क्योंकि उनके पेरेंट्स इतना पढ़े। काम होने वाली है, आप किसी भी स्कूल में चले जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि फ्यूचर में जाके ऐसा होने वाला है कि अनपढ़ वालदैन के बच्चों को एडमिशन दिए जाएं। तो जाहिर है पढ़ाई के बिना अब वो दौर नहीं रहा कि आप पढ़ाई के बिना सर्वाइव भी कर सकते। इसके अलावा और क्या चैलेंजेस हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहें, उनको बताना चाहें कि इनको हम ओवरकम करें, लोगों को बताना चाहें कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनका आपको सामना करना है? मेरा ख्याल है अगर दोनों मियां भी एक साथ अपने बच्चों का फ्यूचर अगर बनाना चाहे ना तो एक साथ मिल के सोचे तो मेरे ख्याल से फिर जो बच्ची और बच्चा है वो फिर बढ़ेगा। जब किसी बच्चे ने माँ बाप ने शादी पे जाना हो ना वो पूरे महीने की छुट्टी लेके चले जाते हैं, हम शादी पे जा रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि अगर एक दिन बच्चा छुट्टी कर उसका काम कितना पीछे चला जाता है, इस चीज को उनको आइडिया नहीं है और वो एक एक माँ के लिए छुट्टियाँ लेके शादी पे चले जाते हैं, वो भी कर्जों के चैलेंज को आप कैसे फेस करती हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर एक बच्चा 15 दिन या एक महीना स्कूल से गायब है, सिलेबस कवर करना तो ये तो बड़ी मुश्किल चीज हो जाती है। यकीन माने फिर माँ बाप को बड़ा समझाते हैं, वो आगे कहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों को आगे ले जाते हैं, अहमियत देते हैं, हालांकि
वो अपनी औलाद के बारे में इतना नहीं सोचते जितना वो अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं। माशरा क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारी इज्जत क्या होगी, अपनी इज्जत होगी, अपने बच्चों का नहीं सोचा अपनी इज्जत की, हमारी हमारी इज्जत को ठेस ना पहुंचे, हमारे रिश्तेदार हमें कुछ कहते हैं अगर इसने पढ़ना हुआ तो पढ़ लेंगे, शादी पे जाएंगे तो क्या, हमारी इज्जत तो है ना उधर, हमारी एक वैल्यू है, और अगर हम ना जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि इतना अच्छा उनका रिश्तेदार वो नहीं आया, फिर हमारे बारे में भी बात होगी उनके बारे में। लेकिन हाँ मैंने देखा है हमारे स्कूल के ये इशू है कि आके कह रही होती है कि कोई नहीं अगर इस साल पास नहीं होगा अगले साल हो जाएगा, मगर हम ये नहीं छोड़ सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें ना पेरेंट्स का जो ना पढ़ा लिखा होना ना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हम जो मदरसे मीटिंग भी करते हैं, कुछ अगर इस तरह केस हो पर्सनल इनको वालदैन को बुला के उनके भी काउंसलिंग करते हैं बच्चों के लिए, मतलब उनके लिए प्रॉपर आप वो ट्रेनिंग अरेंज करती हैं, ट्रेनिंग बताती हैं कि कैसे वो क्या कर सकती हैं और कैसे अपने बच्चों के लिए वो इजी वे में काम कर सकती हैं। जी बिल्कुल, और फिर बहुत सी औरतों को जब ये चीज समझ आ जाती है वो बहुत खुश होकर जाती हैं कि वाकई हमें तो इन चीजों के बारे में पता नहीं है, लेकिन जो भी किताबें लेके देते हैं हम उनको फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, फिर हम लोग जितना हमसे हो सकता है हम नेल उनके खुद कटिंग करते हैं, बाल उनके खुद बनाते हैं, उनके साथ इस तरह से ट्रीट करते हैं कि उनको कभी भी फील ही नहीं होता कि वो अपने घर में या स्कूल में। सर हाँ मैंने अक्सर देखा है आपके स्कूल में आपको बच्चियों के बाल बना रही होती हैं, क्यूट क्यूट से हेयर स्टाइलिंग कर रही होती हैं, तो बेसिकली ये उन बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है जिनके घर में कोई भी नहीं है, ताकि उन लोगों को ये फील ना हो कि माशरे में कोई भी ऐसा नहीं है कि मोहब्बत नहीं करता। जी ये एक बहुत जरूरी चीज है कि बच्चों को सबसे पहले ये बताया जाए कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। जी बिल्कुल आप करती हैं और मैंने खुद भी देखा है वहाँ पे। तो इसके अलावा और आपके इतने मसाइल थे तो उनके लिए आपने क्या क्या एक्शंस लिए और कैसे उनको सॉल्व किया? वो उनकी जुएं बहुत होती हैं, वो स्कूल में क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं तो टीचर्स उनकी जुएं निकाल रही होती है, और उनके यूनिफॉर्म भी बहुत फटे होते हैं, और फिर वो टीचर्स उनको सिलाई भी खुद कर देती है, अगर सुविधा के वाला काम हो तो वो भी कर लेते हैं, अगर वो ले नहीं सकते तो उनको लेके भी देते हैं और स्टिच करके भी देते हैं। हाँ ये मैं ऐड करना चाहती हूँ कि उनको जो से पेरेंट्स की हम इस स्कूल में कमी महसूस नहीं होने देते, उन्होंने कभी नहीं बोला कि जी। तो फाफरा आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारे स्कूल में डिफरेंट काइंड फ्रूट के हम लोग बनाते हैं, जिसमें ऐसे बच्चे भी आएंगे जो कि फ्रूट बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको पता नहीं कि कब से बच्चों ने खाया होता, तो फिर हम वो स्पेशल एक डे मनाते हैं, फिर बच्चे सब जब लेके आते हैं फ्रूट्स फिर वो शेयरिंग करके आपस में खाते हैं, इस तरह से हम लोग ट्राई करते हैं कि उन बच्चों तक हम लोग विटामिन पहुंचा सके, उनको फ्रूट्स के फायदे बता सके। इसके लिए तो हम लोग स्पेशल एक्टिविटीज डे रखते हैं, इसमें हमने जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे रखा था, तो ये सारा उनको बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम सब इक्वल हैं, कोई काला नहीं होता, कोई गोरा नहीं होता, कोई इस तरह की बात नहीं है, तो बेहतरी महसूस होती है थोड़ी नहीं, काफी हद तक वो बेहतर महसूस करते हैं इसमें। तो ये मेरा है कि एक्टिविटी एक बड़ी अच्छी चीज है, बच्चा एक्टिविटी से बहुत कुछ सीखता है और बहुत समझता है और बड़ा उसको मजे वाली चीज है ये। हाँ क्योंकि सिर्फ स्कूल में स्टडीज करवाना जरूरी नहीं है, उनको किताबें सिखाना जरूरी नहीं होता, हर चीज में उनको आगे लेके जाना, क्योंकि किताबों से तो हम इल्म लेते हैं लेकिन जो फिजिकली हम एक्टिविटीज करते हैं उससे एक बच्चा जो है वो समझता है कि हमने फ्यूचर में जाके जब वो बैठ जाता है उसको पता चलता है कि ये काम ऐसे करना है ऐसे नहीं करना। चिल्ड्रन डे जो से वो सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे हम सारे सेलिब्रेट करते हैं, इस तरह बच्चों का अवेयरनेस होती है कि इस दिन की क्या अहमियत है और ये क्यों सेलिब्रेट हो रहा है, उनको स्पेशल फील करवाने के लिए। चिल्ड्रन डे है तो ये चिल्ड्रंस का दिन है, मनाएं, खेलें, कूदें। लास्ट टाइम हमने ये सेलिब्रेट भी किया, हम सब बच्चों को पार्क लेके गए हुए थे, तो वहाँ पे बच्चों ने बहुत ज्यादा फन किया, उनको बताया गया कि बच्चों ये आपका ही दिन है, जो आपके दिल में है वो करें, बच्चे बड़े खुश हुए थे इस एक्टिविटी से। मुझे ये बात बड़े अफसोस से कहनी पड़ रही है कि हुकूमती सतह पे हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। देखिए हमारे पास मैक्सिमम 200 बच्चे हैं, उसकी वजह ये कि हमारे पास जगह बहुत कम है, अगर हुकूमत हमें जगह प्रोवाइड करे और हम बहुत ज़्यादा बच्चे रखें, क्योंकि हमारे पास रिसेंटली इतने ज़्यादा बच्चे हैं क्योंकि मजबूरी हमारी ये थी कि हम बच्चों को भेज रहे थे, क्यों कि हमारे पास स्पेस नहीं थी, हमारे पास जगह नहीं, हम कहाँ से बच्चों को रखें। मैं हुकूमत से ये गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ वो हमें जगह दें और हम सब बच्चों को तलीम दें, क्या पता उनमें से कोई डॉक्टर निकल आए या कोई साइंसदान निकल आए। बेसिकली हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो हमें सपोर्ट किया जाए ताकि हम जिंदगियों को और नस्लों को बदल सकें।